You guys have given me feedback up till now for my videos. I am very thankful to the rest of you people. The way you have subscribed me, the way you have liked me, the way you have given me suggestion regarding different kind of concepts. So I am very thankful to you. And I am also very familiar about your problem. So for that matter, I have been right here so that your problem to be sorted out from the platform of Rahe Fala. If you have any kind of question, you can ask me regarding PSD or JEST. At the same time, if you have any kind of idea that I need to come up with the improvement on account of my channel, so please give me some detailed ideas regarding my videos, the way I am making for you. Aaj ka jo video hai banane ka maksad, pehle main aap के लिए ये वीडियो जो है वो पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये वीडियो ज़रा सुनिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ फॉर DGHR एंड किशोर साहब। आप एक मीटिंग रखें आल डीओज़ की, 16 तारीख को आल डीओज़ की मीटिंग रखें और उसमें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा रखें, वन पॉइंट एजेंडा। और वो वन पॉइंट ये है कि वैकेंसी पोजीशन ऑफ PSTs एंड JSTs। JSTs की तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स ने दे दिए, शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट रहता हो, लेकिन PSTs की सिर्फ कोई दो चार डिस्ट्रिक्ट्स ने दी है वैकेंसी पोजीशन, और वो भी मेरे ख्याल में अभी तक वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं हुई है। तो अब 16 तारीख को मीटिंग रखें आल DOs की कि वो अपनी करंट वैकेंसी पोजीशन और ऑफर लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स वो कितने दे चुके हैं और वो ले आएँ, और विथ एक्सप्लेनेशन के उन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी वैकेंसी पोजीशन क्यों शो नहीं की। मैं आपको ये अख्तियार देता हूं कि जो भी DO ये वैकेंसी पोजीशन दे दे उसको आप मीटिंग से एग्जेम्प्ट करें, वो मीटिंग से एग्जेम्प्ट कर दें जो इन्फॉर्मेशन दे दें आपको वैकेंसी पोजीशन की, करंट वैकेंसी पोजीशन। और जैसे ही आपको करंट वैकेंसी पोजीशन मिले वो आप प्रवेश दुनिया को दे दें या वारसी को दे दें कि वो वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दें। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि 16 तारीख को आल DOs की मीटिंग होगी और वो करंट वैकेंसी पोजीशन ऑफ PSTs और JSTs लेके आएंगे। लेकिन अगर किसी ने PSTs और JST की इंफॉर्मेशन पहले दे दी है तो वो मीटिंग से एग्जेम्प्टेड है और वो मीटिंग में ना आए। थैंक यू जी। आपने ये वीडियो सुनी, इसमें अकबर लगारी साहब ने कहा है कि 16 जून को सारे DEOs की मीटिंग बुलाएं और सारे DEOs मुझे हर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंट पोजीशन शो कराएं और वो पोजीशन वेबसाइट पर भी डाली जाएं, ख़ास तौर से PST की वैकेंट पोजीशन अब तक शो नहीं की गई हैं, वो शो की जाएं। तो लिहाजा आप देख सकते हैं ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो आप तक एक किस्म का पैगाम पहुंचाना था जो हर दफ़ा मैंने पहुंचाया और आज भी मैंने आपके सामने ये जो है वो पैगाम पहुंचाया है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह की वीडियो दूं जिसमें जो है वो आपको तमाम मामलात के बारे में पता चले कि यहाँ पर अकबर लगारी साहब का क्या मौक़िफ़ है और किस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, और उनको बिल्कुल भी एतमाद नहीं है अपने DEOs पर, और वो यकीनन बहुत ज़्यादा सस्पिशियस दिखाई देते हैं इन तमाम मामलात में, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने का मकसद आपके सामने आ गया। और जो आपने देखा अकबर लगारी साहब ने जो बात की और जो भी कहा वो भी आपने सुन लिया, तो पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें आपके सामने जो है वो हकायक के तौर पर मैंने पेश की, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें हकीकत होती है, रियलिटी होती है,
झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो लिहाजा सब चीज़ों को शेयर करना आपके साथ ये मेरा फ़र्ज भी बनता है, और अपने इस राह पला के प्लेटफॉर्म से ये मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो पीएसटी और जेईएसटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और बहुत सों के साथ नाइंसाफियां भी की जा रही हैं और उनको धक्के भी खिलवाए जा रहे हैं, किस किस तरह के मामलात उनके साथ किए जा रहे हैं, वो सब मैं देख रहा हूँ। और बाकायदा आजकल मैं विज़िट पर होता हूँ मुख्तलिफ़ एरियाज़ के डीईओस ऑफिसेस के, मैं जो है वो चक्कर लगा रहा होता हूँ, वहाँ की सिचुएशन को परख रहा होता हूँ और वहाँ जाकर इन तमाम मामलात को चेकआउट कर रहा होता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये इल्म हो सके कि इस तरह लोग जो हैं किस तरह परेशान हैं, किस तरह उनको धक्के खिलवाए जाते हैं और किस तरह उनको वेट करवाया जाता है, किस तरह उनके जो है वो परेशानियों से खेला जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं सब जाकर विज़िट कर देख रहा हूँ आजकल, और उस पर काम भी कर रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि आपको सपोर्ट करता रहूँ, अपने आइडियाज़ अपनी सजेशंस मुझे ज़रूर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उससे जो है वो आपको ये फ़ायदा हो कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि जितना आप लोग मुझे देखेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको आगाही मिलती रहेगी। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक नए राह पलक के एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगेबान।